भाई यहाँ पे ज्यादा नीचे गहराई नहीं है, वहां से जाके ऐसे हो जाएंगे, फिर बंडल आइलैंड की तरफ जाएंगे। काफी अरसे बाद एक जगह मैंने इतनी सीपियां देखी हैं, तो ये सीपियां भी उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। भाई आप लोग शेरयाल भाई का चैनल क्यों नहीं देखते हो? अगर नहीं देखोगे हम अपने को मार देंगे। नहीं यार ऐसा नहीं। कहानी की स्टोरी ये है कि आज थोड़ी सी ब्लॉग दोबारा से चेंज किया, ट्रैवलिंग तो हम कर नहीं पा रहे, फिर भी हमने कहा थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बना लें, तो हम आ गए कराची फिशरीज। और हम इसलिए कर रहा हूँ कि यार आज मेरे साथ रमीज नहीं है, लेकिन मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान विद फरहान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने ही कह दिया उन लोगों के भी आप पे। ये भी एक ब्लॉगर है, जो मैंने नाम बताया आपको वही इनका चैनल था, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं चाहे तो नहीं करें। भाई मैं कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, तो हमारे पास एक्टिविटी क्या है, हमारे पास एक्टिविटी ये है फरहान भाई कि हम कराची फिशरीज पहुंच गए, यहां से हम लेंगे लॉन्च और आज किसी ना किसी एक आइलैंड पे जाना है और हमने मैनग्रूव्स को जो है ऑब्जर्व करना है। कहते हैं कि यहां से लॉन्च उठा के वो उनके दरमियान से गुजारते हैं। बाकी ये मेरे साथ इंट्रूडर आ गए, क्या हमारे साथ और कौन है? ये है फराज भाई, जो के फरहान अली के बचपन के दोस्त है। फराज भाई अगर आप रोशनी में आ जाए मजा। एड्रेस कुछ इस तरह से है कि जब आप कोरंगी क्रॉसिंग से आ रहे होते हैं, कोरंगी क्रीक की तरफ बोल न्यूज चैनल की तरफ रोड जा रहा है और एयर गोल्फ क्लब जो है उस तरफ जा रहा है, तो वहां से आप होते हुए आते हैं कोरंगी फिशरी की तरफ, जो अपना इब्राहिम हैदरी कहलाता है। बांधो भाई चली जाएगी ये कहीं। फराज भाई अब आप बात करें लंच की, किसी तरह हमें आइलैंड पे जाना है, वो सामने लंचेज ही लंचेज खड़ी हुई है। भाई किसकी लाश ले जा रहे हो? केकड़े वो बहरा अभी जहाँ से कश्ती पकड़नी है ना, उधर खड़े में हम, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतनी बदबू है ना यार भाई, बहुत स्मेल है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बैठ जाते मेरे ख्याल से, बैठेंगे तो नाक तो बननी होगी। जी बिल्कुल, आपको दे देंगे, ठीक हो गया। जो उसका डीजल का खर्चा है वो आप उनको देंगे, आपको ले जाएंगे, ठीक हो गया। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देगा, कोई आगे कश्ती लेना चाहे तो आपसे ले लें, मोबाइल नंबर बता दें आप अपना। 0003432447428। भाई हम उसको बंडाल कह रहे हैं, कुछ लोग उसको बंडल आइलैंड कहते हैं, हमारे जैसे शहरी लोग कहते हैं, असल में पिट्टी नाम है। अभी हम पिट्टी जा रहे हैं, तकरीबन कोई आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे। इस लॉन्च की जो है स्पीड एक मखसूस स्पीड है, 37 जाती नहीं है। पैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 5000 रुपये लिए इन्होंने, थोड़ी सी बार्गेन करके कम करा लिया। अच्छी बात है, जगह बिल्कुल बंजर है और वीरान है, तो खाने पीने का यहीं से कुछ ले जाते हैं। तरबूज ले लिया बजाय इसके कि कोई बर्गर या वो चीज़ लेते, थोड़ा हाइजीन का भी हमने ख्याल किया, और पानी ले जाएंगे अपने साथ। आ गए भाई अपनी लंच में, हम लोग बड़ी सी लंच खेल लिया यार, तीन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, दोस्ती कर लो इन लोगों से, ये लंच में लेके जा रहे हैं। फरहान भाई आप मेरे दोस्त हैं नहीं हैं, ये लोग हैं। लेट्स मूव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी सख़्फ़रा लना। भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारा बड़ा ख्याल किया, कुर्सियाँ वगैरह अरेंज कर दी हैं। बोटिंग का एक अपना ही मज़ा है, सारा एरिया ये क्लिफ्टन वाला इधर से दिखता है, वो क्रीक वाला सारा। अच्छा ये कह रहे थे कि आप रास्ते में काफ़ी जंगलात आएंगे, ये लोग मैनग्रूव जिसको बोलते नहीं है, बस खाली जंगलात बोलते हैं। थोड़ा इंजन की आवाज़ आती रहेगी, इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। बिल्कुल गुप्त सन्नाटा है यहाँ मैनग्रूव के जंगल में। मैनग्रूव एक झाड़ी या दरख्त है जो कि साहिल के खारे पानी में उगता है। यार ये एनवायरनमेंट के लिए इतना जबरदस्त है, अगर आप इन मैनग्रूव्स को निकाल देना तो ये हार्बर की जो भी यहाँ की सॉइल है ना, ये बर्बाद हो जाएगी। सुना ये है कि यहाँ के जो लोग हैं इसमें जो सूख जाते हैं ना, उनकी लकड़ियों को लेते हैं, उसको आग जलाने के काम आती है, क्योंकि एनर्जी के यहाँ बड़े क्राइसिस हैं। डॉन की एक रिपोर्ट थी जिसमें वो कह रहे थे कि यार ये जिंदा वाले को भी काट रहे हैं मैनग्रूव्स को, तो अच्छा नहीं है अगर ऐसा है, आई होप कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। अभी मैनग्रूव्स के जंगल के दरमियान से हम निकल गए, क्योंकि वहाँ पर पानी की सतह कम थी, वहाँ से कश्ती दरमियान से नहीं गुजर सकती थी,
आप बंडाल की तरफ जा रहे हैं, जिसको ये लोग पिटी कहते हैं और हम कहते हैं बंडाल आइलैंड। अच्छा, बुड्डू आइलैंड भी वही करीब में ही है। 5 मिनट बाद हम चैनल से बाहर आ जाएंगे। पिट्टी की दो साइड्स हैं, एक सामने की साइड है, इस पे पानी इतना इतना होता है, इधर उतरना इतना मुनासिब नहीं है, और दूसरा ये कि सूखे में उतरेंगे, तो अब हम सूखी वाली साइड जा रहे हैं। भाई ये आइलैंड आ गया, अब ये सरफेस चेक करेंगे कि लेवल आ गया है, तो फिर अभी भी है, अभी है वो सामने आइलैंड आ गया। अब कहाँ जा रहा भाई तेरी, लेकिन कहाँ गया भाई, क्या कर रहा है ये पहुँच गए हैं आइलैंड। अब ये पूरा वहाँ से वहाँ उधर जा रहा है। बंडल आइलैंड कराची के साहिल पर बहर अरब में वाकई एक छोटा सा जजीरा है, जिसके इर्द गिर्द काफी आबादी मौजूद है। भाई आइलैंड पे उतर गए, भाई ये मत बोलना आप यार यहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, यहाँ क्यों आ गए, कैसे आ गए, नहीं आना चाहिए था, ऐसे मत कहना। ओए यार, इस मुल्क पर कोई सीधा नहीं चलता। वाह वाह यार, सीपियों की भरमार है यहाँ, मतलब काफी अरसे बाद एक जगह मैंने इतनी सीपियां देखी हैं, तो ये सीपियां भी उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। देखो कब्रें बनी हुई है, बाकायदा दफनाया हुआ है सीपियों को। फरहान भाई, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। क्या बात है जी, क्या बात, तैयार हो गई। अच्छा सो रहे बड़े मजे से ना, क्या कह रहे हो दिलावर? भाई इतना मेहनत करता है, देखो ये भी शेरयाल भाई के मदद से हम ऐसे देख रहे हो ना। और हाँ, मैं जानता हूँ शैतान आपको रुकेगा, लेकिन वीडियो को फिर भी लाइक कर दो। हाँ मजा रहा है यार, कराची के करीब ये आइलैंड जो है ना, देख के मजा आ गया। इसको ये लोग पिट्टी आइलैंड कह रहे हैं, पिट्टी आइलैंड। हम जब वहाँ किनारे पे थे इब्राहिम हैदरी पे, वहाँ से सबसे पूछा यार बंडल आइलैंड कहाँ है, किसी के समझ ही नहीं आ रहा। फिर हमने 2-3 दोस्तों को कॉल किया, लोकल नाम मालूम किया, वीडियो दिखाई, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको पिट्टी कहते हैं, पिट्टी आइलैंड। ये देखिए ये शाबाश है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये भाभी की कसम देती और ये रुक गए भाई। अब चलने का टाइम हो गया, 2-3 चीजें बस लास्ट टाइम बता रहा हूँ। यहाँ आप आएंगे, यहाँ वॉशरूम खाने पीने की कोई जगह नहीं है, यहाँ आए थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाएं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप नहा भी सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करें, यहाँ कोई गंद ना फैलाएं और थोड़ी देर बाद वापस चले आए। बाकी ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो इसको अपने किसी दुश्मन को भेजना और कहना लाइक तो कर दो यार। बाय बाय।